वेलकम, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं टुडे साउथ, जहां होता है एंटरटेनमेंट की दुनिया से डायरेक्ट कनेक्शन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विजय देवरकोंडा तेलुगु फिल्म उद्योग के उन बहुत कम अभिनेताओं में से एक हैं जो अपनी प्रतिभा के दम पर सभी को अपना बना चुके हैं। वह निश्चित रूप से इस पीढ़ी के सबसे प्रतिभाशाली और मेहनती अभिनेताओं में से एक है, जैसा कि अर्जुन रेड्डी के अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में चित्रित किया गया है। हालांकि लाइगर अभिनेता के करियर के एक अपेक्षाकृत नवजात अवस्था में आता है। टॉलीवुड में विजय देवरकोंडा महज 5 साल और 9 फिल्में पुरानी है। वह अभी भी अपेक्षाकृत काफी नया और कमजोर है। आइए देखिए कि अगर लाइगर विफल हो जाता है तो उसका करियर किस चरण में पहुंच सकता है। बता दें कि लाइगर धर्मा प्रोडक्शन और पूरी जगन्नाथ द्वारा निर्मित एक बड़े बजट की फिल्म है। अगर यह फिल्म विफल होता है तो फिल्म निर्माताओं को बहुत सारा पैसा खोना पड़ेगा और देवरकोंडा में बहुत विश्वास खो जाएगा। दोनों तेलुगु फिल्म उद्योग और बॉलीवुड में इसके बाद स्टार एक और बड़े बजट की फिल्म निर्माता सुकुमार के साथ अपनी अगली फिल्म में भारी दबाव में होंगे। उसका पूरा करियर तब सुकुमार के साथ उस फिल्म की सफलता और उसके निर्माण पर निर्भर करेगा। यदि वह विफल हो जाता है तो देवरकोंडा के लिए उभरना बेहद मुश्किल हो, विशेषकर उसकी गैर फिल्मी पृष्ठभूमि और उद्योग के समर्थन की कमी को देखते हुए। लेकिन हम गहराई से उम्मीद करते हैं कि लाइगर विफल नहीं होंगे, यह सभी महामारियों को हरा देगा और विजय होगा। टीम को शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच की वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज एंड अपडेट।